ज्वालाजी में सड़क पर पड़े खड्डों को भरने के लिए किए गए घटिया पैचवर्क मामले का एसडीएम अंकुश शर्मा ने कड़ा संज्ञान लिया है और इस बाबत उन्होंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर से बात की है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि वे इस मामले में उचित कदम उठाएंगे। एसडीएम अंकुश शर्मा ने बताया कि बीते रोज ही लोगों के विरोध के बाद ये मामला उनके ध्यान में आया था और जब खुद उन्होंने सड़क पर नजर दौड़ाई तो उन्होंने भी माना कि लोगों का विरोध सही है और पहले ही नजर में साफ दिख रहा है कि सड़क में जो पैचवर्क का कार्य हुआ है उसकी उतनी गुणवत्ता नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। उन्होंने बताया कि सड़क पर पड़े गड्ढों को लेकर वे पहले भी कई बार नेशनल हाईवे से बात कर चुके हैं, लेकिन अब मामला उजागर होने के बाद उन्होंने दोबारा नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर से बात की है। साथ ही उन्हें बताया गया कि सड़क में हुए पैचवर्क की गुणवत्ता को लेकर जो सवाल लोगों द्वारा उठ रहे हैं इसके बारे में वे खुद जाँच करे, साथ ही इस पर कड़ा संज्ञान ले। एसडीएम ज्वाला जी ने ये भी माना कि रोड की हालत ठीक नहीं होगी तो स्वाभाविक ही है कि दुर्घटनाएं बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि वाहनों और सड़क का आपस में सीधा संपर्क है, ऐसे में मैं भी इस बात को मानता हूं कि लोगों के हित में रोड की हालत जल्द ही ठीक होनी चाहिए और ये संबंधित सिस्टम की जिम्मेदारी बनती है कि वे जल्द ही खराब सड़कों के मामले में संज्ञान लेकर उस पर कार्य करना सुनिश्चित करें। बताते चले कि शहर में बीते कई महीनों से पड़े इन गड्ढों की वजह से कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और अब दोबारा इस घटिया पैचवर्क से दो पहिया वाहनों को और मुसीबत आ सकती है। दरअसल सड़क पर किए पैचवर्क के कुछ ही घंटों में उखड़ने के बाद इससे निकली बजरी सड़क पर बिखरी पड़ी है और जो दो पहिया वाहनों के लिए हादसे का कारण बन सकती है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर पैचवर्क के काम की निगरानी नहीं की जा रही है, इसको लेकर लोगों ने संबंधित विभाग को घेरा है और उनकी कार्यप्रणाली पर भी कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। यही नहीं, विभाग के साथ साथ ही लोगों ने क्वालिटी बिन की कार्यप्रणाली को भी कटघरे में लिया है, साथ ही इस तरह के मामलों में कड़ा संज्ञान लेने की बात की है। लोगों का आरोप है कि कई बार प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस तरह के कार्य सामने आते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में ठेकेदार पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है जिसके चलते ये मामले बार बार सामने आने को मिलते हैं। इनका आरोप है कि शहर में हुए पैचवर्क के कार्य का कुछ ही घंटों में ये हाल है तो अन्य जगह के हालात सड़कों के कैसे ही रहे होंगे, इस कार्य को देख कर ही स्पष्ट हो रहा है। बताते चले कि ज्वाला जी वो इसके साथ लगती जगहों पर सड़क पर पड़े गड्ढों को भरने के लिए किया गया पैचवर्क कुछ ही घंटों में उखड़ गया है, जिसको लेकर ज्वाला जी के स्थानीय लोगों ने नेशनल हाईवे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी बीच विभाग द्वारा जिस ठेकेदार को इन गड्ढों को भरने को लेकर पैचवर्क का कार्य दिया था उसका भी लोगों ने घेराव किया था, साथ ही इस काम को रुकवा दिया था। लोगों का कहना है कि विभाग जल्द ही इन सभी खड्डों पर सही पैचवर्क करे और सड़कों को सही करे, ना कि कार्य के नाम पर खानापूर्ति हो। दिव्यांग छात्रों के अंदर छिपी प्रतिभा को उभारने के उद्देश्य से हमीरपुर में ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 100 मीटर रेस, म्यूजिक चेयर, चम्मच रेस, पेंटिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। बाद में बाल स्कूल प्रधानाचार्य मंजू ठाकुर ने प्रतियोगिता में विजेता छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता में 50 के करीब दिव्यांग बच्चों ने हिस्सा लिया। बाल स्कूल प्रिंसिपल मंजू ठाकुर ने बताया कि दिव्यांग बच्चों के लिए खेल कूद प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में 50 के करीब छात्रों ने हिस्सा लिया है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में पहली से आठवीं तक पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चों ने हिस्सा लिया है।